कक्षा 12 कृषि जंतु विज्ञान में आज तुम लोग को हम क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग यानी मानव में गुणसूत्र संख्या मानव में गुणसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे बताएंगे। सब लोग को मैं बता चुका हूँ कि जो ह्यूमन में टोटल जो गुणसूत्र होता है एक क्रोमोसोम या एक कोशिका में या एक कायिक कोशिका में टोटल कितने होते हैं 46 या इसी को कह सकते हो 23 जोड़े, 23 जोड़े यानी 2n बराबर 46 तो n बराबर कितना हो जाएगा 23। याद रहे ये क्या है, इसे बोलते हैं डिप्लॉयड या द्विगुणित, इसे बोलते हैं द्विगुणित। और इसे जब हैप्लॉयड लिखेंगे तब उसे क्या बोलेंगे अगुणित। यानी जब किसी जो है कि जीव के कायिक कोशिका में कुल गुणसूत्रों की जो संख्या होगी उसे बोलेंगे डिप्लॉयड या द्विगुणित। तो द्विगुणित का मतलब 2n, तो 2n इज इक्वल टू या 2n बराबर 46। और जब अगुणित या हैप्लॉयड कहा जाएगा तो n बराबर 23। तो हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में जो टोटल गुणसूत्र होते हैं वो 46 और उसका जो 46 या 23 जोड़े, ये जो 46 या 23 जोड़े होते हैं उसमें पहले से लेकर के यानी मान लो पहले से लेकर दूसरे तीसरे से लेकर के 22वीं जोड़ी तक, 22वीं जोड़ी तक एक से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोसोम। या स्वजात गुणसूत्र और 22वीं के बाद जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र एक से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के गुणसूत्र कहलाते हैं स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम, और 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र कहलाता है वो सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र या इसी को विषमजात गुणसूत्र या हेट्रोसोम भी कहते हैं। हेट्रोसोम या विषमजात गुणसूत्र। स्वजात गुणसूत्र का मतलब है मान लो पहली जोड़ी का गुणसूत्र है ये तो यदि दोनों गुणसूत्र यदि आपस में यानी एक ही गुणसूत्र की दोनों जोड़ियां आपस में समान हो यानी ये और ये एक गुणसूत्र के दो जोड़ी होते हैं सॉरी एक जोड़ी होता है एक पहले नंबर के गुणसूत्र में दो गुणसूत्र होते हैं या एक जोड़ी होते हैं तो पहली जोड़ी में
एक गुणसूत्र माता से किसी भी व्यक्ति में प्राप्त होता है और दूसरा क्या होता है पिता से। तो दोनों जो जोड़ियाँ होती हैं यानी दोनों जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में बिल्कुल समान होते हैं, यानी आकार में और लक्षणों में और इस पर जो जीन होते हैं वो भी समान होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है समजात गुणसूत्र, सॉरी स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम। और 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो आपस में समान नहीं होता है, क्योंकि जो 23वीं गुणसूत्र जोड़ी का गुणसूत्र होता है एक बड़ा होता है और एक छोटा, किसमें पुरुषों में, जबकि स्त्रियों में दोनों समान होता है। पुरुष में जो बड़ा होता है उसे यक से और जो जो छोटा होता है उसे वाय से, लेकिन जो स्त्री होती है उसमें दोनों क्रोमोसोम समान आकार के होते हैं या समान साइज के होते हैं, इसलिए उसे एक्स से, यानी पुरुष में यानी पुरुष में एक्स वाई से 23वीं जोड़ी को पुरुष में एक्स वाई को प्रसिद्ध एक्स वाई से प्रसिद्ध किया जाता है और स्त्री में एक्स एक्स से प्रसिद्ध किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली से लेकर के 22वीं जोड़ी तक चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री दोनों में पहली से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के गुणसूत्र अपने अपने जोड़ीदारों से लक्षणों में और जीन में समान होते हैं, तो उनको बोले जाते हैं ऑटोसोम या स्वजात। जबकि 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र आपस में आकार में और लक्षणों में समान नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हेट्रोसोम या विषम जात, हेट्रोसोम या विषम जात। इसी को लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि लिंग के निर्धारण में यही क्रोमोसोम यानी 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों में जो एक्स एक्स वाला है और पुरुष में एक्स वाई वाला यही भाग लेते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि पहली जोड़ी से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के गुणसूत्र कहलाते हैं ऑटोसोम या स्वजात, क्रोमोसोम या गसतो हो स्वजात गुणसूत्र, और 23वीं 22 तक के लेकर स्वजात गुणसूत्र 23वीं जोड़ी वाला गुणसूत्र क्या कहलाएगा लिंग गुणसूत्र या विषम जात गुणसूत्र। यहीं पर हम लोग जान लेते हैं होमोलागस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र। अब जान लेते हैं होमोलॉगस या समजात गुणसूत्र का मतलब क्या है, यानी मान लो ये पहली जोड़ी का गुणसूत्र है तो मैंने अभी बताया प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़ियों में होते हैं, तो ये मान लो ये पहली जोड़ी का गुणसूत्र है तो ये जो पहली जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं आपस में क्या कहलाएंगे समजात गुणसूत्र। इसी तरह पहले से लेकर के 22वीं तक जो भी गुणसूत्र होंगे अपने अपने जोड़ीदारों से वो आपस में आकार में और लक्षणों में क्या होंगे समान होंगे, तो आकार में और लक्षणों में समान होंगे तो ऐसे गुणसूत्र को कहा जाएगा समजात गुणसूत्र या होमोलागस क्रोमोसोम। तो ये हो गया समझाते चल, ये मैंने पहली के लेके बताया। इसी तरह पहली से लेकर 22वीं तक सारे क्रोमोसोम
जो एक माता से आएगा एक पिता से, दोनों आपस में अगर आकार में और जीन या लक्षणों में समान है तो उन्हें कहेंगे समजात। चलो मान लो दूसरा जोड़ी का ले लिया हमने, ये मान लो पहली जोड़ी का है और ये पांचवी जोड़ी का, कोई भी पहली यानी एक नंबर के जो गुणसूत्र होंगे वो आपस में संजात कहलाएंगे। दो अलग अलग नंबर के जो गुणसूत्र होंगे, मान लो ये पहली जोड़ी का हो गया, ये पांचवी जोड़ी का, इसी तरह तुम कोई ले सकते हो किसी भी यानी 23 तक लेकर के कोई भी, ये पांचवी हो या दूसरी हो, तीसरी हो, चौथे हो, सातवें हो, आठवें, नौवें या 23वीं, किसी भी जोड़ी का हो, तो ये आपस में कहलाएंगे नॉन होमोलागस क्रोमोसोम। नॉन होमोलागस क्रोमोसोम या असमजात गुणसूत्र। नॉन होमोलागस क्रोमोसोम या असमजात गुणसूत्र, बात समझ में आ गई। एक ही जोड़ी को, चाहे वो पहली का हो, दूसरी का हो, तीसरी से लेकर 22वीं तक, जो आपस में एक ही क्रोमोसोम यानी वो आकार में, लक्षण में और जो उस पर जीन हो वो आपस में बिल्कुल समान हो, तो ऐसे जोड़ी के गुणसूत्र को बोलेंगे होमोलागस या समजात गुणसूत्र। और जब एक जोड़ी और दूसरे यानी एक क्रोमोसोम दूसरी जोड़ी का हो और एक दूसरे जोड़ी का हो, अलग अलग जोड़ियों का हो, तो उसे बोलेंगे नॉन होमोलागस क्रोमोसोम या असमजात गुणसूत्र। यहाँ पर एक बात और जान लो, एक ही क्रोमोसोम के जो दोनों भुजाएं होंगी उन्हें कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। यानी एक गुणसूत्र की जो दोनों भुजाएं हैं वो आपस में कहलाएंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स। और अगर के दो अलग अलग भुजाएं हैं यानी एक भुजा इसकी और एक भुजा इसकी हो गई, तब वो क्या कहलाएगी? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक ही गुणसूत्र की दोनों भुजाएं आपस में कहलाएंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स, और दो अलग अलग, एक भुजा इसकी हो गई एक भुजा इसकी, या दो अलग अलग गुणसूत्र की भुजा हो गई, तब उसे कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया, मानव जो गुणसूत्र है वो ऑटोसोम्स किसे कहोगे? हेट्रोसोम, इसी को हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को एलोसोम भी कहते हैं। या एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम, या एलोसोम या हेट्रोसोम या विषमजात या लिंग गुणसूत्र, ये हो गया। और समजात और असमजात और सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे कहेंगे वो हम लोगों ने क्या किया आज समझा और जाना। अब इसके बाद मनुष्य में जो गुणसूत्र के गुणसूत्रों के घटा बढ़ी या परिवर्तन से जो रोग होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो आज हम लोगों ने मनुष्य में गुणसूत्र में यानी मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या है उससे संबंधित प्रारंभिक जानकारी के विषय में क्या किया है, जानकारी प्राप्त किया। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।